Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. भारतीय शासन और राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के श्रृंखला में आज हम नागरिकता की विषय पर बातचीत करेंगे इस पर किस तरीके के संवैधानिक प्रावधान हैं और किस तरीके के वाद विवाद इससे जुड़े हुए हैं असल में नागरिकता का जो विषय है वह अपने आप में काफ़ी पेचीदा विषय है और जिस आधुनिक युग में जिस राष्ट्र राज्यों के दौर में हम रह रहे हैं वहाँ पर यह व्यक्ति के अस्तित्व से जुड़ा हुआ भी सवाल है नागरिकता पर इस पूरी बातचीत में आगे बढ़ने से पहले आ, मैं आपका ध्यान कुछ शब्दों की ओर दिलाना चाहूँगा एक नागरिक शब्द है यानी कि वो किसी राष्ट्र राज्य का सदस्य है दूसरा शरणार्थी शब्द है यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में है पता है कि वह किसी दूसरे नेशन स्टेट दूसरे देश का रहने वाला है और वह किसी और देश में किसी कारण से आया है और जो मुख्य रूप से कारण क्या होता है कि तो उसे वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है कई बार जो कई सारे लोग होते हैं जो एक देश के नागरिक होते हैं और वो अप्रवासी बनकर दूसरे देशों में काम करते हैं कुछ लोग वहीं पर जाकर नागरिकता भी ले लेते हैं जो लोग नागरिकता नहीं लेते हैं वो आमतौर पर अप्रवासी माने जाते हैं यानी कि हिंदुस्तान में कई सारे लोग आ, अमेरिका के रह सकते हैं अमेरिका में कई सारे लोग हिंदुस्तान के रह सकते हैं इन सब के पास दस्तावेज होता है शरणार्थियों के पास दस्तावेज तो नहीं होता है लेकिन यहाँ बिल्कुल पता होता है कि वो बांग्लादेश से आए हैं या कहाँ से आए हैं क्यों आए हैं चौथा जो एक जो पूरी कैटेगरी हो गई यानी कि नागरिक शरणार्थी और प्रवासी के बाद वह हो गई स्टेटलेस लोगों की जिनके पास राज्य ही नहीं होता है जो किसी देश के नहीं होते हैं यानी ऐसे लोग जिन्हें मिसाल के तौर तो पर अगर वो हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान की सरकार अपना नहीं मानती है और दूसरे देशों के लोग मिसाल के तौर तो पर हिंदुस्तान के पड़ोसी देशों के लोग उसे अपना नहीं मानते हैं तो ऐसे लोग कहीं के नहीं होते हैं और दुनिया में बहुत सारे जो लोग हैं वो स्टेटलेस पीपल की कैटेगरी में हैं और इनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो एक तरीके से प्रताड़ना का एक आप नमूना बन जाती है जहाँ पर उन्हें नौकरी लेने में अपने बच्चों को पढ़ाने में आ, हर तरह की जीवन की सुख सुविधाओं को या आम जरूरतों को हासिल करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस लिहाज से मैंने यह भूमिका सिर्फ इसलिए देने की कोशिश की कि हम ये समझ पाएं कि नागरिकता वर्तमान दौर में कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है और आ, आगे मैं इससे जुड़ी हुई विविध वाद विवादों की भी चर्चा करूँगा पर हमारी कोशिश यह होगी कि हम आज की पूरी पूरी परिचर्चा में कि हम यह समझ बनाएं कि हमारे अपने संविधान में किस तरीके के संवैधानिक प्रावधान नागरिकता के बारे में किए गए हैं और इस संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों को समझने के बाद हम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो कानून बना था उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो उसमें अलग अलग तरह के संशोधन हुए उन्नीस का संशोधन उन्नीस का संशोधन 2003 यानी कि 2003 का संशोधन 2005 का संशोधन 2015 का संशोधन उसको समझेंगे और वर्तमान में जो नागरिकता संशोधन कानून 2019 आया है उसकी भी एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे और उसके पहले हम नागरिकता और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एन की एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे जो असम में हुआ है तो हमारी चर्चा का जो एक हिस्सा होगा वह नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स के मामले पर से जुड़ा होगा और उसी संदर्भ में हम नागरिकता संशोधन कानून की भी समझ बनाने की कोशिश करेंगे तो जो समकालीन वाद विवाद है उस पर भी हमारा ध्यान रहेगा लेकिन अगर हम हिंदुस्तान में नागरिकता की जो संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में परिचर्चा प्रस्तुत करें तो हमें आ, अलग अलग धाराओं में आ, इसका उल्लेख मिलता है और हम उन सब की आ, एक समझ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे पहली बात जो है वह यह है कि भारत के संविधान में नागरिक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है संविधान का भाग दो अनुच्छेद पाँच से लेके ग्यारह आर्टिकल फाइव टू इलेवन इन इसका शीर्षक जो है वह नागरिकता है इसमें इस बात पर विचार किया गया है संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक कौन है या किसे भारत का नागरिक माना जा सकता है हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ किंतु इसके नागरिकता संबंधी प्रावधानों को 26 नवंबर उन्नीस से ही लागू कर दिया गया इसी तारीख से भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों के बीच का अंतर प्रभावी हो गया नागरिकों के पास कुछ विशेष अधिकार और कर्तव्य होते हैं वहीं गैर नागरिकों के पास सिर्फ अपने व्यक्तित्व का अधिकार होता है भले ही वह एक नागरिक है या नहीं यानी कि जो व्यक्तित्व का अधिकार होता है वह नागरिक और गैर नागरिक दोनों को मिला होता है अब अगर हम संवैधानिक प्रावधानों पर नज़र डालें तो अनुच्छेद पाँच और सात मुख्य रूप से एक मार्च उन्नीस से 26 जनवरी 1950 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच अप्रवासन करने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित हैं अनुच्छेद पाँच में यह कहा गया है कि जन्म या अप्रवासन के आधार पर नागरिकता दे दी जा सकती है इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत या जो पाकिस्तान बन गया उनमें से कहीं हुआ है और किसी व्यक्ति ने एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण किया है तो उसे नागरिकता दी जा सकती है भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई को उन्नीस uh, 19 जुलाई 1948 को इन्फ्लक्स फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस लागू किया गया अनुच्छेद छः में इस तारीख से पहले यानी 19 जुलाई 1948 से पहले और उसके बाद भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में बताया गया है 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आने वाले लोग स्वाभाविक रूप से भारत के नागरिक बन जाएंगे लेकिन इस तारीख के बाद आने वाले लोगों को एक अधिकारी द्वारा उनके आवेदन के आधार पर पंजीकृत किया जाएगा तो एक पूरी प्रक्रिया तय की गई कि किस तरीके से 19 जुलाई 1948 यानी कि आज़ादी मिलने के तकरीबन एक साल बाद भी अगर कोई हिंदुस्तान में आता है तो उसे किस तरीके से नागरिकता दी जा सकती है तो एक अधिकारी और रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रावधान को तय किया गया और इसका मतलब यह है कि इस तरीके के अधिकारी आ, उस यानी कि इस अवधि के बाद 19 जुलाई 1948 उन्नीस के बाद हिंदुस्तान में आने वाले लोगों के दस्तावेज या कागजात इत्यादि को देखने के बाद नागरिकता दे सकते हैं अनुच्छेद सात में यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति एक मार्च उन्नीस के बाद पाकिस्तान गया है तो उसे तब तक भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा जब तक पुनर्वास की परमिट के साथ वह भा भारत नहीं लौटता है तो यह एक और कानूनी पेचीदगी इसमें जोड़ने की कोशिश की गई और इसमें अधिकारियों की भूमिका तय की गई अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले लोग उस देश में भारत के कूटनीतिक या कौंसुलर अधिकारियों से खुद को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत या रजिस्टर करवा सकते हैं यदि या तो वे खुद या आ उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो या उन्नीस भारत 1935 के भारत अधिनियम परिभाषा के अनुसार इसको रखा गया नागरिकता के बारे में यह प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में था अब यहाँ पर यह किसी भी देश के व्यक्ति के लिए है और इसमें यह छूट दी गई कि वह भारत का नागरिक बन सकता है शर्त यही है कि वो खुद उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता का या दादा दादी का हुआ हो अब यहाँ पर अगर हम एक बार मैं आपका ध्यान अनुच्छेद सात की ओर दिलाना चाह रहा हूँ कि यह जो पूरा प्रावधान था बाद के दौर में यह प्रावधान काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि ऐसे अब विषय बन गया जिसका कि सामना भारत के अधिकारियों को बार बार करना पड़ा इसका कारण यह था कि कई बार जो हिंदुस्तान दंगे हो रहे थे बंटवारे के समय तो बहुत बार स्त्रियों को लड़कियों को जबरन पाकिस्तान ले जाया गया और बहुत सारे पाकिस्तानी लड़कियों को मुस्लिम लड़कियों को हिंदुस्तान लाया गया तो ये जो जबरन लड़कियों का आदान प्रदान था उससे भी एक अलग तरह की त्रासदी का जन्म हुआ मुझे ये उम्मीद है और अगर आप लोग को मौका मिले तो आप ये फिल्म जरूर देखेंगे पिंजर जिसमें कि इसी तरीके की एक लड़की की त्रासदी या उसकी कहानी को दर्शाया गया है तो ये जो पूरी परिघटना हुई उसने अधिकारियों के काम को काफी बढ़ा दिया क्योंकि कई बार माता पिता अपने बच्चियों को वापस लाना चाह रहे थे कई बार बच्चियाँ खुद वापस आना चाह रही थी और ये जो लड़कियाँ बच्चियाँ या महिलाएं थीं इनकी जीवन में ये जो नागरिकता की त्रास दी थी कि वो कुछ समय पाकिस्तान में रहीं जबरन ले जाई गई फिर से उन्हें अपने देश में वापस आना था और उसमें जो अधिकारी थे उनके परमिट की जो आवश्यकता थी उन सब चीज़ों ने नागरिकता के इस प्रश्न को काफ़ी एक हम कह सकते हैं कॉन्टेस्टेड मसला बनाया आ उस समय अब अगर हम अनुच्छेद नौ की तरफ बढ़ें तो उसमें यह साफ किया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद छः और आठ के अंतर्गत भारत का नागरिक नहीं होगा जिसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली हो इसमें अनुच्छेद सात का उल्लेख नहीं है किंतु 1960 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक मार्च उन्नीस के बाद पाकिस्तान जाकर वहाँ की नागरिकता ले, ले लेता है तो वह भारत की नागरिकता का दावा नहीं कर सकता है तो इसमें स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने के प्रावधान को सम्मिलित किया गया इस रूप में कि अगर आपने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो फिर आप आ, आ, इसका अर्थ है कि आपको विदेशी माना जाएगा और फिर एक अलग तरह की प्रक्रिया अपनाकर आप भारत का नागरिक बन सकते हैं पर आप स्वेच्छा से ये दावा नहीं कर सकते हैं जैसे कि पिछले प्रावधानों में दर्ज था कि आप भारत के नागरिक हैं अनुच्छेद दस में यह कहा गया कि इस भाग के किसी भी प्रावधान के अनुसार जो भारत का नागरिक है वह संसद में बने किसी भी अन्य कानून के बावजूद भारत का नागरिक बना रहेगा यानी कि इस भाग के प्रावधानों के अनुसार जिसे भारत की नागरिकता मिल गई है बाद में संसद कोई कानून बनाकर उन्हें उनकी नागरिकता से वंचित नहीं कर सकती है और भारत के संविधान ने बंटवारे और भारतीय राष्ट्र राज्य के संदर्भ में नागरिकता संबंधी प्रावधान तय किए थे जिन सभी प्रावधानों को देखने से साफ तौर पर स्पष्ट होता है इसने भविष्य के सभी संदर्भों के लिए भारत के संविधान सभा ने भविष्य के सभी संदर्भों के लिए नागरिकता का कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को दे दी थी यानी संसद को यह तय करना था कि आगे किस तरीके से कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक बन सकता है या नहीं बन सकता है और संसद ने इसी संदर्भ में 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया अब हम इस बात को ध्यान में रखें कि बुनियादी तौर पर जो हमारे संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं वो तात्कालिक परिस्थितियों से प्रभावित हैं और उसमें भविष्य की दिशा में जो भी काम करना था उसकी जिम्मेदारी संसद के हाथों में थी और इसी आधार पर अनुच्छेद 11 में जो जैसे मैंने पहले बताया कि संसद को यह अधिकार था कि वह इस बारे में कानून बनाए और संसद ने इस तरीके का कानून 1955 के भारतीय नागरिकता अधिनियम के रूप में बनाया भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पर अगर हम ध्यान दें तो इसके कुछ प्रमुख प्रावधान जो हैं वो हमें इस बारे में एक समझ देते हैं कि कैसे कोई भारत का नागरिक बन सकता है पहली बात जो इसमें कही गई है वह यह कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा अपवाद राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे माने जा सकते हैं यानी कि जो राजनयिक हैं उनके बच्चे अगर भारत के बाहर उनका जन्म होता है तो भी उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा और जो विदेशियों के बच्चे हैं जिनका जन्म हिंदुस्तान में होता है उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा या फिर राजनयिकों के बच्चों का भी जन्म अगर हिंदुस्तान में होता है तो उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा दूसरा वंश परंपरा द्वारा नागरिकता भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो और यह बात राजनयिकों के बच्चों के संदर्भ में भी कही जा सकती है बहरहाल माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम उन्नीस द्वारा किया गया है यानी कि उन्नीस से पहले सिर्फ पिता के भारत का नागरिक होने पर ही किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जा सकती थी और यह जेंडर के आधार पर बहुत ही भेदभावपूर्ण नियम था और उन्नीस में संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जो भारतीय नाग जो नागरिकता अधिनियम है उसमें संशोधन के माध्यम से इसे दूर किया गया जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे तीसरा देशीकरण द्वारा नागरिकता भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और यानी कि कोई व्यक्ति आ, हिंदुस्तान में रह रहा है और अगर एक निश्चित समय अवधि के बाद अगर भारतीय सरकार उसे आ, भारत के नागरिक के रूप में मान्यता देती है तो वो नागरिक बन सकता है चौथा पंजीकरण द्वारा नागरिकता निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता आ, प्राप्त कर सकते हैं पहला वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से छ महीने पहले से भारत में रह रहे हों दूसरा वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों तीसरा वे स्त्रियाँ जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी चौथा भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे पांचवा राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों आवेदन पत्र देकर ये सभी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं पांचवा इसमें प्रावधान था भूमि विस्तार के द्वारा यदि किसी नए भू भाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो यह जो पूरे प्रावधान किए गए जो नागरिकता अधिनियम था उन्नीस का उसमें वो एक रूपरेखा प्रदान करते हैं कि, कि किस तरीके से भारत में लोगों को नागरिकता दी जा सकती है और समय समय पर इस रूपरेखा में कुछ नई चीज़ों को जोड़ा गया कुछ नई बातों को सम्मिलित किया गया और इससे नागरिकता का विस्तार हुआ आगे हम ये देखेंगे कि इसके बारे में भी काफ़ी वाद विवाद है कि जो अलग अलग तरह के संशोधन हुए क्या वास्तव में उन्होंने नागरिकता के दायरे को ज़्यादा का ज़्यादा विस्तार किया या एक तरीके का क्लोज़र या सीमा लगाने का काम किया इस बात विवाद पर हम आगे नज़र डालेंगे लेकिन हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो 1955 का भारतीय नागरिकता अधिनियम था उसमें कई सारे संशोधन हुए हैं उन्नीस में उन्नीस में दो में दो में दो में दो में फिर से संशोधन करने की कोशिश की गई राज्यसभा में बहुमत ना होने के कारण नाकाम रही और 2019 में फिर से संशोधन किया गया है हम इन संशोधनों के मुख्य बातों को समझने का प्रयास करेंगे और आ, उसके बाद हम अन्य मुद्दों की तरफ आगे बढ़ेंगे उन्नीस का जो संशोधन था वह समावेशन की एक ऐसे क्षण के रूप में दे, देखा जा सकता है जिसमें नागरिकता की कानूनी रूपरेखा के भीतर विभेद या डिफरेंस की व्यक्ति के लिए एक स्थान का निर्माण हुआ और ऐसा विशेष रूप से असम के संदर्भ में हुआ लेकिन उन्नीस के नागरिकता संशोधन अधिनियम ने असम में एक श्रेणीबद्ध नागरिकता की स्थापना भी की इसने विदेशियों और गैर कानूनी प्रवासियों को पहचानने के लिए एक समानांतर व्यवस्था स्थापित की कुछ लोगों की नागरिकता स्थगित कर दी और कुछ लोगों को गैर कानूनी बना दिया आगे हम असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की बात करेंगे तो इस मुद्दे पर और ज़्यादा विस्तार से आएंगे लेकिन उन्नीस का जो पूरा संशोधन था उसकी पृष्ठभूमि यही थी कि असम में घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था ऑल स्टूडेंट ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने और उसके बाद जो जब वो लंबे समय तक चला तो भारत सरकार के साथ उनका समझौता हुआ उन्नीस uh, में उसके बाद उन्नीस में एक संशोधन किया गया और भारतीय नागरिकता अधिनियम में और उसके अंतर्गत यह कहा गया कि इस बात की पहचान की जाएगी कि कौन घुसपैठिए हैं और उन्हें फिर नागरिकता से वंचित किया जाएगा तो दो चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं एक ये कि यह माना गया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि नागरिकता एक सार्वभौमिक मूल्य के रूप में हो जिसमें देश के सभी लोग एक ही तरह की गुणों का वहन करें लेकिन इसके साथ ही इसमें श्रेणीबद्ध नागरिकता की बात की गई कि जो नागरिक नहीं है आ, उन्हें किस तरीके से नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाए तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी और ये बात यहाँ महत्वपूर्ण है उन्नीस के संविधान संशोधन अधिनियम में कि 1950 के नागरिकता कानून में यह प्रावधान था कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मे सभी लोग जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक होंगे वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ एक जुलाई उन्नीस को लागू हुआ इसमें यह प्रावधान किया गया कि भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक हो सकता है जब उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो तो इसमें मुख्य रूप से एक विभेद वाली नागरिकता की स्थापना की गई उन्नीस सौ के संशोधन में हमने पहले इस बात का उल्लेख किया है कि मुख्य रूप से इसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर होता है और उसके माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक हो, तो वह भी भारतीय नागरिक होगा और 1955 के अधिनियम में यह प्रावधान सिर्फ उन लोगों पर लागू था जिनके पिता भारत के नागरिक थे 2003 में एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ और इसमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या भारत विदेशी के विदेशी नागरिक के रूप में एक नई श्रेणी की शुरुआत हुई और यह एक महत्वपूर्ण क्षण माना गया क्योंकि इसमें एक तरीके से उन लोगों को भी नागरिकता दी गई जो कि हिंदुस्तान से बाहर रहते थे किसी और देश के नागरिक बन चुके थे और मुख्य रूप से इसकी जो इसके पीछे जो सोच थी वह यह थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की कि जो लोग आ, विदेशों में रहते हैं भारतीय परंपरा से भारत से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं तो उनकी उस जुड़ाव को एक मजबूत आधार प्रदान किया जाए क्योंकि इससे खुद भारत की विदेश नीति को एक शक्ति मिलती है इससे भारत के आर्थिक विकास को एक संबल मिलता है और इससे जो भारत का एक की जो एक सार्वभौमिक पहचान है उसको भी एक दिशा मिल सकती है तो इसके पीछे यही एक सोच थी और यह भी कहा जा सकता है कि यह जो नागरिकता थी वह नागरिकता की जो एक भू क्षेत्रीय अवधारणा से आगे बढ़ते हुए एक पर राष्ट्रीय नागरिकता या ट्रांसनेशनल सिटीजनशिप की ओर आगे बढ़ती है उसकी स्थापना करती है अब यहाँ ये दोनों शब्द हमें साफ़ तौर पर समझने की ज़रूरत है मैंने शुरुआत में ही यह बात साफ की थी कि जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो नागरिकता मुख्य रूप से एक ऐसी अवधारणा के रूप में सामने आती है जो एक राष्ट्र राज्य के भीतर एक व्यक्ति के कुछ बुनियादी अधिकारों या एक व्यक्ति की बुनियादी पहचान को बताती है तो जब हम यह कहते हैं कि यह ट्रांसनेशनल की तरफ बढ़ने की और एक कदम था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो पूरी पूरी अवधारणा थी तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यह माना गया कि एक व्यक्ति जो किसी दूसरे देश का नागरिक है ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी नागरिकता छोड़े लेकिन वह हिंदुस्तान का भी एक नागरिक हो सकता है तो ये एक नॉमिनल जुड़ाव की तरह था एक नाम के लिए जुड़ाव था इसका अर्थ यह है कि ये जो नागरिक थे वे आ, बहुत सारे जो अधिकार हिंदुस्तान के नागरिकों को मिले हुए थे यानी कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बने वो हिंदुस्तान के नागरिकों के अधिकारों के बराबरी नहीं कर सकते थे इसका लक्ष्य सिर्फ यह था कि इन नागरिकों को एक जुड़ाव का माध्यम दिया जाए हिंदुस्तान से और कुछ सुविधाएं दी जाएं जिससे कि वो हिंदुस्तान से अपने जुड़ाव को ज़्यादा गहरे स्तर पर महसूस कर सकें और इसमें यानी कि इसमें साफ किया गया कि ओ सी आई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया सार्वजनिक रोजगार में बराबरी की मांग नहीं कर सकते वे वोट डालने का अधिकार नहीं ले सकते हैं और इसके साथ ही वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री से पहले सांसद का चुनाव इन सब चीजों में वो भागीदारी नहीं कर सकते हैं इसमें कहा गया कि यदि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था या भारत का नागरिक बनने के योग्य था तो उसे भारत सरकार ओ का दर्जा दे सकती है लेकिन शर्त यह है कि वह वर्तमान में जिस देश में रह रहा है वहाँ भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान हो यानी कि वहाँ भी ये व्यवस्था होनी चाहिए कि एक व्यक्ति एक साथ दो देशों की नागरिकता रख सकता है तो इस लिहाज से यह थोड़ा सीमित भी हो गया आरंभिक दौर में यह मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के लोगों तक ही सीमित रखा गया था इस पूरे विचार को और इसीलिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सदस्य फातिमा मीर ने इसे डॉलर या पाउंड नागरिकता की संज्ञा दी थी उनकी आलोचना का जो मुख्य आधार था आ, वह यही था कि यह उन लोगों के लिए है जो कि हिंदुस्तान को डॉलर या पाउंड दे सकते हैं और उन लोगों के लिए नहीं है जो कि गरीब आ, देशों से जुड़े हुए हैं भारत के से उनका जुड़ाव है लेकिन वो अपने जुड़ाव को इस ओ यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं तो यह एक आलोचना थी लेकिन चूंकि इसके भीतर यह शर्त रखी गई है कि जिस देश के लोग ओ ले लेना चाहते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का जो कार्ड है या जो उसकी जो पूरी पहचान है उसको लेना चाहते हैं वहाँ भी दोहरी नागरिकता होनी चाहिए तो यह भी इसे काफी हद तक सीमित कर देता था बाद में इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा सभी देशों को शामिल किया गया लेकिन शर्त यह रखी गई कि वे देश भी दोहरी नागरिकता को मान्यता देते हो तो ये शर्त हमेशा ही इससे जुड़ी रही है लेकिन इसके साथ ही यह जन्म से नागरिकता पर प्रतिबंध को बढ़ाते हुए यह प्रावधान करता है कि भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति तभी भारत तभी नागरिक बन सकता है जब उसके माता पिता दोनों ही भारत के नागरिक हों या दोनों में से एक भारत का नागरिक हो या दूसरा भारत का गैरकानूनी प्रवासी ना हो तो एक तरीके से यह नागरिक बनने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको ज़्यादा सख्त बनाता है और भारत में नागरिकता के अधिकार में जस सॉलिस सिद्धांत के आधार के स्थान पर जस सैग्वि सिद्धांत को वरिता मिली जस सॉलिस में नागरिकता को भूमि या जन्म के स्थान पर के स्थान पर नागरिकता को तय किया जाता है वहीं जस सेंग्विस में रक्त संबंधों के आधार पर नागरिकता तय की जाती है तो ये एक बड़ा बदलाव इसमें हुआ यानी कि जो जस सॉलिस का सिद्धांत था जिसमें कि भूमि या जन्म के आधार पर नागरिकता तय की जाती हो उसके बजाय अब रक्त संबंधों को वरिता दे जाने लगी या कहा जाने लगा कि उस व्यक्ति के जो माता पिता हैं वह इस हिंदुस्तान से के पहले नागरिक हो या नागरिक बनने के योग्य हों तभी वो व्यक्ति नागरिकता का दावा कर सकता है वो सिर्फ इस आधार पर नहीं कर सकता है कि उसका जन्म हिंदुस्तान की धरती पर हुआ है तो जस्ट सॉलिस का जो पूरा एक आधार है वो कुछ हद तक उदार माना जा सकता है वहीं दूसरी ओर जस्ट सैंग्विज जो है जो कि वो ब्लड रिलेशन या रक्त संबंधों पर आधारित होता है तो वो एक तरीके से सीमित अवधारणा के रूप में या नागरिकता के ज़्यादा हम कह सकते हैं कट्टर अवधारणा के रूप में माना जा सकता है क्योंकि ये रक्त संबंधों को वरीता देता है और उसे नागरिकता को थोड़े और ज़्यादा संकुचित रूप में परिभाषित करता है बहरहाल 2005 में भी नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ और इसमें अन्य देशों के मूल निवास मूल भारतीय मूल के लोगों पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन या पी e. के दायरे में लाया गया तो ये जो अन्य देशों में भारतीय मूल के लोग रहते थे उनके लिए ये श्रेणी बनाई गई और ये वो लोग थे जो 1950 के बाद देश से बाहर गए थे पाकिस्तान बांग्लादेश भूटान चीन श्रीलंका और नेपाल के ना के नागरिक रहे लोग पी यानी कि पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए आवेदन नहीं कर सकते ओ की तुलना में पी पी के अधिकार कम थे और ओ के पास पूरे जीवन भर के लिए वीज़ा का अधिकार था और पी एक बार में 180 दिन ही वीजा ले सकते थे तो ये जो ओ जो सिटीजनशिप है जिसके बारे में हमने पहले आ, चर्चा की है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इनके बीच में और जो एक श्रेणी दो में बनाई गई पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसके लिए मैंने पी शब्द का संक्षिप्त रूप इस्तेमाल किया है दोनों में अंतर था ओ सी आई जो था वो पूरे जीवन भर के लिए अपना एक वीज़ा रख सकते थे और हिंदुस्तान में आ सकते थे पर इन्हें 180 दिनों के लिए हिंदुस्तान में रहने की आवश्यकता थी 2005 में एक बार फिर से नागरिकता संशोधन अधिनियम आया और इसमें ओवरसीज सिटीजन को मिलने वाली सुविधाओं का विस्तार किया गया अब ओ सी आई के स्थान पर एक नई शब्दावली ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा सभी देश के, देशों के लोग इस कार्ड को ले सकते हैं 2005 के संशोधन में जो लोग ओसीआई के लिए योग्य थे उनके अलावा अब पीआईओ विदेशों में रहने वाले भारतीयों के छोटे बच्चों और विदेशों में रहने वाले या विदेशी नागरिक द्वारा विदेशी मूल के व्यक्ति से विवाह करने वाले के लिए भी ओ सी आई कार्ड होल्डर बनने की सुविधा की गई ओ सी आई कार्ड होल्डर एक बार फिर से उसी अवधारणा का विस्तार है जिसमें कि भारतीय मूल के लोगों को यह सुविधा दी जा रही है कि वे आ, हिंदुस्तान के साथ अपना संबंध और गहरा करें तो ये नागरिकता की जो एक पूरी समझ है जो राष्ट्र राज्य के दायरे तक सिमटी हुई है वो उसका बाहर विस्तार करती है उसको ज़्यादा एक तरीके से विस्तृत बनाती है लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें जो जुड़ी हुई थी वो अभी भी जुड़ी हुई हैं यानी कि वे आ, हिंदुस्तान में वोटिंग राइट्स की मांग नहीं कर सकते हैं वे उन देशों के पे लागू होते हैं जहाँ दोहरी नागरिकता को मान्यता दी जाती हो वे हिंदुस्तान में आकर जो यहाँ पे नौकरियाँ हैं जो संसाधन उसमें बराबरी का हक नहीं जता सकते कुछ दूसरे तरीके के काम कर सकते हैं जो समाज की भलाई के लिए हों जिसमें उन्हें भी हो सकता है थोड़ा बहुत मुनाफा हो लेकिन जो सरकारी नौकरियां हैं उस पर उनकी दावेदारी नहीं हो सकती हैं जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि ओ बनते ही कई तरीके की कानूनी अड़चनों से ओ कार्ड रखने के साथ लोग उससे मुक्त हो जाते हैं और जो एक दूसरी श्रेणी है पी की उसे भी ओ कार्ड होल्डर बनने की अनुमति दी गई है तो वे कई तरीके की कानूनी झंझटों से बच जाते हैं दूसरा वे एक तरीके से हिंदुस्तान के साथ एक औपचारिक जुड़ाव रख पाते हैं उस देश के साथ जिससे वो बाहर गए हैं या जिससे उनके माता पिता जुड़े हुए थे और अगर वो चाहें तो बाद में हिंदुस्तान के नागरिकता के लिए आवेदन भी कर सकते हैं पर औपचारिक नागरिकता लेने के लिए आवश्यक है कि वो दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करें तो हिंदुस्तान अभी भी इस नागरिकता के बाद भी इस बात को मान्यता नहीं देता है कि वो एक ऐसी दोहरी नागरिकता देगा जहाँ पर बाहर से जो ओ सी आई कार्ड होल्डर होंगे वो आएंगे वोटिंग राइट्स के साथ आएंगे चुनाव लड़ने के अधिकार के साथ आएंगे तो इस तरीके की चीज़ें अभी भी मान्यता प्राप्त नहीं है तो हमें यह जो ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आ, उसे हमें इसी रूप में देखना होगा कि एक या जो नागरिकता की बनी बनाई धारणा थी उससे अलग जाता है दो इसके इसकी कोशिश यह है कि जो दुनिया के तमाम भागों में हिंदुस्तानी लोग फैले हुए हैं वे हिंदुस्तान के साथ अपना एक मजबूत जुड़ाव कायम कर पाए तीसरा कि भले ही उनके पास अधिकार ना हो हिंदुस्तान में लेकिन वो हिंदुस्तान में आ सकते हैं रह सकते हैं यहाँ कुछ समाज सेवा या भलाई का काम कर सकते हैं तो ये जो सारी चीज़ें थी वो एक तरीके से अगर हम मोटे तौर पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान कि जो आ, लोग हैं हिंदुस्तानी मूल के जो दुनिया के भागों में फैले हुए हैं उन्हें हिंदुस्तान के साथ और गहरा जुड़ाव देने की कोशिश है और दुनिया के मंच पर भारतीयों की, की उपस्थिति को भारत के साथ जोड़कर और मजबूती से रखने का प्रयास है तो यह एक हम कह सकते हैं कि नए तरह की कोशिश है और इसकी इसमें बहुत सारी सकारात्मक बातें हैं हालांकि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैंने इंगित किया कि दो के संशोधन में कैसे नागरिकता को रक्त संबंधों पर आधारित बना दिया गया और जन्म या स्थान को कम महत्वपूर्ण कर दिया गया अब हम दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे एक तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का मामला है और दूसरा सी uh, का मामला है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का सबसे पहले हम uh, नागरिकता और नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजनशिप की बात करेंगे यह एक महत्वपूर्ण विषय है महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके बारे में वर्तमान दौर में काफ़ी चर्चा हुई है चर्चा का कारण यह भी रहा है कि सबसे पहले असम में आ, इस तरीके का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद आ, इसकी मांग बहुत सारे नेताओं ने पूरे हिंदुस्तान में आ, करने की, की। राजनीतिक स्तर पर इसका विरोध हुआ अभी तक जब हम आ, इस के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है कि देश के स्तर पर इस तरीके का नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन्स तैयार किया जाएगा लेकिन एक मुद्दे के रूप में यह आ चुका है तो उसको समझने के लिए यह ज़रूरी है कि हम असम में किस तरीके के मुद्दे आए थे उसको समझें और किन आधारों पर वहाँ नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन्स की बात की गई थी उसको समझने का प्रयास करें असम के विशेष संदर्भ में एनआरसी की मांग की जाती रही है और वो विशेष संदर्भ यह रहा है कि वहाँ पर जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और बाद में बांग्लादेश बना वहाँ पर काफ़ी सारे लोग उस देश से आते रहे हैं तो जो असम के लोग हैं उन्हें हमेशा ही यह खतरा या यह डर रहता है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं वे उनकी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं वे उनकी पहचान को कमज़ोर कर रहे हैं वे उनके संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए और उन्हें उनके देश में वापस भेजा जाना चाहिए तो जो उन्नीस की जनगणना हुई थी उसके बाद भी यहाँ पर एक एन किया गया था यानी कि यह तय करने की कोशिश की गई थी कि कौन से लोग वास्तव में असम के निवासी हैं उन्नीस सौ के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर शरणार्थी यहाँ घुसपैठिए बनकर आने लगे आ, उसका एक बड़ा कारण ये था जिसका कि सर्वोच्च रूप उन्नीस के आ, बांग्लादेश युद्ध के रूप में सामने आया जिसके बाद बांग्लादेश एक अलग देश बना कि जो वहाँ के पाकिस्तान के जो सैन्य शासक थे वे काफ़ी अत्याचार कर रहे थे बांग्लादेश के लोगों पर वहाँ के अल्पसंख्यकों पर भी तो लोग काफ़ी बड़ी तादाद में एक अच्छे जीवन के तलाश में या अपने जीव अपनी जान को बचाने के लिए आ, भारत में आ रहे थे तो चौसठ पैंसठ में के दौर में काफ़ी बड़ी संख्या में शरणार्थी हिंदुस्तान में आए और उसके बाद ही आ, जब असम के युवाओं को यह लगा कि जो पानी है वो सर से ऊपर जा चुका है उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी अपनी संस्कृति उनकी अपनी अस्मिता उनकी अपनी पहचान खतरे में है तो वहाँ पर युवाओं ने एक आंदोलन शुरू किया जिसे कि असम आंदोलन के रूप में जाना गया और उसका मुख्य उसकी जो मांग थी कि जिन्हें वो विदेशी कह रहे थे वे उन्हें देश से बाहर यानी कि असम से बाहर निकालना चाह रहे थे और इस पूरे आंदोलन में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यह आंदोलन बहुत सारे मौकों पर हिंसक भी हुआ इस आंदोलन ने असम के लोगों को झकझोर कर रखा हिंदुस्तान की सरकार के लिए यह एक क्षेत्रीय अशांति का गंभीर मसला बन गया जिसके बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यह प्रयास किया कि एक समझौता हो और उसके माध्यम से जो असम के लोगों की मांगें हैं उन्हें स्वीकार की जाए, तो उन्नीस में असम समझौता हुआ और इसमें यह कहा गया कि 25 मार्च उन्नीस जो है वो नागरिकता के लिए कट ऑफ डेट होगा इसका मतलब ये है कि जो 24 मार्च के तक जो व्यक्ति हैं उन्हें नागरिक माना जा सकता है और एन आर सी करके घुसपैठियों को बाहर करना असम आंदोलन की एक प्रमुख मांग थी और उन्नीस में यह मांग आ, हमेशा से रही कभी भी पूरी तरीके से इसे लागू नहीं किया गया पर उन्नीस के चुनाव में चुनाव आयोग ने आ, जब वो मतदाता पहचान पत्र तैयार कर रहे थे चुनाव आयोग के द्वारा तो उसमें एक संदिग्ध नागरिकों के लिए एक डी श्रेणी जोड़ दी गई यानी कि जो, जो डाउटफुल नागरिक है उनके लिए फिर यह मांग हमेशा से रही कि असम में एक एनआरसी होनी चाहिए और नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन्स बनना चाहिए जिसमें यह बात पूरी तरीके से दर्ज होनी चाहिए कि कौन असम का नागरिक है कौन असम का नागरिक नहीं है तो 2009 में असम पब्लिक वर्क्स नामक एक एनजीओ ने एनआरसी कराने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में आ, मुकदमा दायर किया और 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने एन कराने का आदेश दिया इकतीस अगस्त दो को एन की आखिरी रपट आई इसमें यह बात सामने आई कि 19 लाख लोगों के पास नागरिकता का दस्तावेज नहीं है उसके पहले जब उसकी रिपोर्ट आई थी तो उसमें यह संख्या 40 लाख के आसपास थी बाद में लोगों को यह मौका दिया गया कि फिर से जिनका नाम नहीं है वो अपने लिए कुछ आ, दस्तावेज फिर से प्रस्तुत करें तो उसके बाद ये संख्या उन्नीस लाख लोगों की रह गई भाजपा भारतीय जनता पार्टी जिसकी कि उस समय अभी भी असम में सरकार है और केंद्र में भी सरकार है और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू ने इस पूरे एन की प्रक्रिया का आ, विरोध किया उसके नतीजों के आधार पर क्योंकि इनका यह मानना था कि ये मुमकिन नहीं है कि असम में सिर्फ इतने ही लोग घुसपैठिए के रूप में हैं बार बार यह कहा जाता रहा है कि असम में करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए हैं तो इसलिए इन्होंने यह कहा कि एनआरसी की पूरी प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हुई है और एक बार फिर से इस, इस तरीके के एन कराने की आवश्यकता है अब एन की इस पूरी प्रक्रिया का की तो ये एक आलोचना हो गई दूसरी आलोचना इस रूप में सामने आई कि एन के कारण कई बार ऐसे लोग नागरिकता से आ, वंचित हो गए जो कि कई पीढ़ियों से असम में रह रहे थे उसमें से कई ऐसे अधिकारियों के नाम हैं जो जिनके परिवार के सदस्य से भारतीय सेना में रह चुके थे यह भी खबर आई कि जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद उनके परिवार के लोग भी एन से छूट गए तो ऐसे कई तरह के आ, मामले आए जहाँ पर लोगों का नाम परिवार की एक सदस्य का नाम एन में है परिवार के दूसरे सदस्य का नाम एन में नहीं है तो इस आधार पर भी इसकी काफ़ी आलोचना की गई आ, बाद की प्रक्रिया में आ, इस पर काफ़ी संदेह के प्रश्न खड़े होते रहे लेकिन जो ज़्यादा गंभीर पहलू है उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और ये नागरिकता की और भारतीय नागरिकता की भी एक कॉन्टेस्टेड कैरेक्टर को या विवादास्पद चरित्र को सामने ला सकता है विवादास्पद में उस संदर्भ के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पर हम एक ख़ास तरीके से नागरिकता को परिभाषित करते हैं और विवादास्पद कहने का तात्पर्य यह भी है कि इसके जो नतीजे आएंगे वो किस रूप में हो सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर आ, 19 लाख लोगों की जो पहचान की गई है असम में अगर हम उस आंकड़े को भी सही माने और यह इस बात पर विचार करें कि अब इन लोगों के साथ क्या किया जा सकता है तो इसका कोई सीधा सा जवाब सामने नहीं आता है क्योंकि ये लोग बांग्लादेश के पाकिस्तान के बर्मा के कहाँ के निवासी हैं यह पता नहीं है क्योंकि ना तो बांग्लादेश ना बर्मा ना पाकिस्तान ना कोई और देश इन्हें अपने देश से जुड़ा हुआ व्यक्ति मानने के लिए तैयार है तो ऐसी स्थिति में कई बार यह कहा गया कि इन्हें इनसे नागरिकता छीन ली जाए और ऐसे व्यक्तियों को ट्रांज़िट कैंप में रखा जाए या इनके लिए रहने के अलग की अलग व्यवस्था की जाए तो यह स्थिति अपने आप में एक अमानवीय स्थिति के रूप में ही सामने आ सकती है क्योंकि जो लोग ट्रांज़िट कैंप में रहेंगे या जिनके नागरिकता के अधिकारों को छीन लिया जाएगा वो स्टेटलेस पर्सनस के रूप में हो जाएंगे और यह एक बड़ी मानवीय त्रासदी को जन्म दे सकता है उसका एक बड़ा कारण यह तो है ही कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत तरह की तकनीकी खामियां रह जाती हैं कई सारे लोग छूट जाते हैं पर उसके अलावा भी यह अपने आप में अमानवीय माना जाना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को नागरिकता छीन कर दोयम दर्जे की ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाता है तो ऐसे इसका तात्पर्य यहाँ पर यह नहीं है कि असम के लोगों की जो चिंताएँ हैं वह जायज़ नहीं है निश्चित रूप से चिंताएँ जायज़ हैं लेकिन उसके लिए जो सावधानी या जो की प्रक्रिया होनी चाहिए वो भविष्य की दिशा में ही हो सकती है भविष्य से यानी कि अभी से यह तय किया जा सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति असम में बिना सही दस्तावेज के ना रहे लेकिन अभी जो लोग हैं उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाना या नागरिकता उनकी छीन लेना उन्हें स्टेटलेस पर्सन बनाना एक मानवीय त्रासदी ही होगी बहरहाल जो मुख्य बात है वो यह है कि जो आ, नेशनल जो रजिस्टर है एन जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है उसकी मांग अब बड़े पैमाने पर केंद्र स्तर पर या पूरे देश में कराने की भी की जा रही है और यह एक तरीके की डर या भय को भी पैदा करने वाला करने वाली मांग है क्योंकि बहुत सारे लोग जो सिर्फ अल्पसंख्यक समूहों से नहीं जुड़े हैं बल्कि ऐसे समूहों से भी जुड़े हैं जिनके पास शिक्षा की कमी रही है उनके लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना हमेशा ही कठिन माना जाएगा तो आ, मैं जो मुख्य बात एन और असम के उदाहरण से कहना चाह रहा हूँ वह यह कि यह एक मांग है जिसका कि जिसकी कि एक हम कह सकते हैं कि काफ़ी पीछे तक पहुँच रही है इतिहास में आ, देश आज़ादी के बाद भी एनआरसी हु, हुई है लेकिन एनआरसी की यह जो पूरी प्रक्रिया है उसके बाद आगे का रास्ता क्या हो यह अपने आप में थोड़ा सा विवादास्पद प्रश्न बन जाता है तो एनआरसी कराना और जो लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ के संसाधनों पर उनका अधिकार होना यह अपने आप में जायज़ मांग है सही मांग है लेकिन इस पर भी काफ़ी गहराई से विचार किए जाने की ज़रूरत है कि क्या आ, नागरिकों के एक बड़े समूह से नागरिकता छीनकर उन्हें आ, एक स्टेटलेस पर्सन के रूप में मान्यता देने से आ, किसी देश का या किसी राष्ट्र राज्य का एक विकास सही तरीके से हो सकता है क्योंकि फिर वो आ, किसी और देश में नहीं जाएंगे बल्कि उसके संसाधनों पर बोझ बने रहेंगे मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि यह एक ऐसा मसला है जिसके बारे में आ, हमें समझने की ज़रूरत है और जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो हमें इस पूरे उदाहरण से नागरिकता से जुड़े हुए जटिल मुद्दों की एक पहचान मिलती है दूसरे स्तर पर हम अगर नागरिकता संशोधन कानून की बात करें जो 2019 में पारित हुआ एक तरीके से यह नागरिकता कानून में हुए कई जो बदलाव हैं उन्हीं की श्रृंखला में सामने आता है जैसे मैंने बताया उन्नीस में उन्नीस में दो में दो में फिर दो में संशोधन हुआ लेकिन इस संशोधन में जो एक खास बात थी वह यह थी कि इसमें यह कहा गया कि अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता का नियम आसान बनाया जा रहा है पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को एक साल से लेकर छः साल तक किया गया है यानी इन तीन देशों के ऊपर उल्लिखित छः धर्म बीते एक से छः सालों में भारत आकर धर्मों के लोग अगर भारत में आकर बसे हैं तो 2014 से पहले तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी तो आसान शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भारत के तीन मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है इसका मतलब यह हुआ कि इन धर्मों से संबंध रखने वाले लोग अगर भारत में वैध दस्तावेजों के बगैर भी रहते हैं तो उनको ना तो जेल में डाला जा सकता है और ना उनको निर्वासित किया जा सकता है यह छूट उपरोक्त धार्मिक समूह के उन लोगों को प्राप्त है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत पहुंचे हैं इन्हीं धार्मिक समूहों से संबंध रखने वाले लोगों को भारत की नागरिकता का पात्र बनाने के लिए नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 में पेश किया गया था लेकिन 2016 में यह पारित नहीं हो पाया आ, क्योंकि राज्यसभा में इसका विरोध हुआ और इसका विरोध अभी भी काफ़ी जोर शोर से किया जा रहा है इसके विरोध का कारण मुख्य रूप से यह है कि यह जो बाहर से आए लोग हैं जो बिना दस्तावेजों के आए हैं उनको नागरिकता देने में धर्म के आधार पर भेद कर रहा है जो लोग सी का विरोध कर रहे हैं उनकी दलील यह है कि हमारे देश के संविधान में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को नकारा गया है और जो सी ए है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वह इस तरीके का भेदभाव करता है जो सी ए के समर्थक हैं उनका यह कहना है कि जो भी लोग प्रताड़ित हैं वो हिंदुस्तान में ही आए हैं और भी कहीं गए हैं पर जो लोग हिंदुस्तान में आए हैं वो लोग इन मुस्लिम देशों से आने वाले अधिकांश लोग जो हैं वो आ, गैर मुस्लिम ही हैं तो ऐसे में उनको नागरिकता देना एक मानवता का काम है और यह काम किया जाना चाहिए इस विषय यह जो पूरा विषय है अभी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो इस पर निर्णय आएगा वो तो बाद में इसके स्वरूप को तय करेगा ही लेकिन जो एक बड़ा खतरा इस कानून के साथ आ, इसके विरोधी देख मानते हैं वह यह है कि अगर यह कानून आ, लागू हो जाता है तो और इसके साथ एन की शुरुआत की जाती है क्योंकि बीच में खुद ग्री मंत्री ने और कई नेताओं ने यह कहा था कि एन होगी बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी उसकी कोई चर्चा नहीं है लेकिन जो इसके विरोधी हैं उनका डर यह है कि अगर इसके साथ एन होती है आ, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनता है तो उसमें अगर किन्हीं दस्तावेजों के कारण जो गैर मुस्लिम हैं वो फंसते हैं या वो दस्तावेज देने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें तो नागरिकता मिल जाएगी लेकिन इस तरह की प्रस्तावित किसी भी संभावित किसी भी एनआरसी में अगर मुस्लिम फंसते हैं तो उन्हें स्टेटलेस बना दिया जाएगा अपने आप में यह एक वाजिब डर माना जा सकता है लेकिन जैसा कि सरकार ने कहा है कि अभी एनआरसी का कोई प्रस्ताव नहीं है दूसरे स्तर पर असम में और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी इसका तीखा विरोध किया गया है इसके तीखे विरोध का आधार क्या है इसके तीखे विरोध का आधार यह है कि जो पूरा एनआरसी असम में हुआ है जिसमें कि उन्नीस लाख लोगों को यह कहा गया है कि वे असल में असम के निवासी नहीं हैं भारत के नागरिक नहीं हैं तो उन्हें अब सी के माध्यम से अगर वो गैर मुस्लिम हैं तो नागरिकता दे दी जाएगी तो ये जो पूरा एन का जो असम में हुआ जो लक्ष्य था वह असम के संगठनों के मुताबिक उलट जाता है और यह बाहर से आए घुसपैठियों को धर्म के आधार पर नागरिकता दे देता है और यह सिर्फ उन्हीं लोगों को बाहर करने की बात करता है जो कि मुस्लिम है और हमें यह ध्यान रखना होगा कि असम का आंदोलन धर्म के आधार पर आरंभ हुआ आंदोलन नहीं था उस आंदोलन में गैर असमी लोगों का विरोध किया गया था क्योंकि आंदोलन करने वाले संगठनों को या डर था या डर है कि इन ये लोग असम की पूरी संस्कृति को तहस नहस कर रहे हैं और असम की जो अपनी पहचान है उसे खत्म कर रहे हैं तो सी ए का असम में भी विरोध किया गया और जैसे मैंने पहले कहा कि सी ए दो में तो पास नहीं हो पाया उस समय से भी चर्चा में रहा लेकिन 2019 में सी ए पारित हो चुका है और इसके आधार पर बहुत तरह की आशंकाएं लोगों के मन में हैं अब यहाँ एक अन्य मुद्दा है कि जो लोग भारत के नागरिक नहीं होते हैं उन्हें अवैध प्रवासी की संज्ञा दी जाती है और ये जो अवैध प्रवासी होते हैं उसमें इस कानून के तहत जो लोग उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हों या फिर वैध दस्तावेज के साथ भारत में आए हों लेकिन उसमें उल्लिखित अवधि से ज़्यादा समय तक यहाँ रुके हों अवैध प्रवासियों को या तो जेल में रखा जा सकता है या फिर विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत वापस उनके देश भेजा जा सकता है अब जो अवैध प्रवासी हैं उनके संदर्भ में अगर हम बात करें तो अगर यह पता है कि वो किस देश के हैं तो उन्हें देश वापस भेजा जा सकता है लेकिन अगर कोई दूसरा देश उन्हें अपने यहाँ का निवासी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो यह एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है अजीब सी स्थिति उस देश के लिए भी जिसमें ये लोग रह रहे हैं और उस व्यक्ति के लिए भी जिसे कोई भी देश अपना नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसी स्थिति में मैंने पहले इस चीज़ का उल्लेख किया है कि किस तरीके के खतरे पैदा हो सकते हैं इसलिए यह कहा जा सकता है कि जो नागरिकता का जो पूरा मसला है वह इस मोड़ पर आकर मनुष्यों के अस्तित्व से जुड़े कुछ बुनियादी सवाल से जुड़ जाता है जहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की जिंदगी के बहुत सारे आयाम तहस नहस हो सकते हैं जो अपने आप को किसी भी देश का नागरिक साबित करने में समर्थ नहीं हो पाता है अनुपमा रॉय ने नागरिकता के संदर्भ में विचार करते हुए एक महत्वपूर्ण तर्क देने की कोशिश की है उनका यह कहना है कि अगर हम हिंदुस्तान के नागरिकता कानून में होने वाले संशोधनों पर विचार करें तो वो सुधार और बंद होने या क्लोज़र दोनों की प्रक्रियाओं के रूप में सामने आते हैं सुधार का मतलब यह है कि एक समय पर ऐसा लग सकता है कि यहाँ नागरिकता के दायरे का विस्तार हो रहा है और दूसरे समय पर वहाँ पर एक तरीके का क्लोज़र भी दिखाई दे सकता है और यह नागरिकता में होने वाले परिवर्तनों को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है यानी कि हम इसे सिर्फ ऐतिहासिक विकास यात्रा में होने वाले परिवर्तनों के रूप में ही नहीं देख सकते हैं बल्कि हम इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में देख सकते हैं जहाँ पर कुछ खास तरीके से प्रतिबंध भी थोपे जा रहे हैं और आ, अगर हम एन आर सी के वाद विवाद को अलग रख दें असम के संदर्भ में ही सिर्फ विचार विमर्श करें और राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तनों की बात छोड़ दें तब भी हम यह देखेंगे कि, कि किस तरीके से अधिकांश संविधान संशोधनों में आ, कुछ नए तरीके से नागरिकता का विस्तार हुआ पर एक खास मोड़ पर उसमें एक क्लोज़र की बात भी सामने आई तो जहां 2003 का नागरिकता कानून अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो हम देखते हैं कि वहां पर एक ट्रांसनेशनल सिटीजनशिप की अवधारणा आती है नागरिकता राष्ट्र राज्य की सीमाओं से आगे जाती है लेकिन उसके साथ ही जैसे कि मैंने पहले बताया कि वहाँ नागरिकता रक्त संबंधों पर आधारित हो जाती है तो जहाँ पहले स्थान जन्म स्थान से नागरिकता तय होती थी उसके जगह पर रक्त संबंधों की बात की जाने लगती है उसी तरीके से हम आगे बढ़ें और सी ए की बात करें तो सी ए एक तरीके से नागरिकता का विस्तार देख माना जा सकता है नागरिकता का विस्तार का तात्पर्य है कि एक ऐसी नागरिकता का संशोधन कानून जिससे कि जो लोग दूसरे देशों से प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में आए हैं उन्हें नागरिकता दी जाए और यह अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक कदम भी है लेकिन अगर अनुपमा रॉय के तर्क को हम आगे ले जाएं तो हम यह कह सकते हैं कि ये एक क्लोजर भी है क्योंकि अगर कोई प्रताड़ित मुस्लिम समुदाय से है और इन्हीं देशों में प्रताड़ित होता है तो उसे नागरिकता नहीं देने का प्रावधान किया गया है बल्कि अगर हम इसकी व्याख्या करें और आगे जाएँ और हम यह कहें कि हिंदुस्तान का कोई मुस्लिम अपनी नागरिकता को साबित करने में असमर्थ है तो भी उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा ऐसा इस कानून के, आ, के व्याख्या में निहित है वो एक खास तरह की व्याख्या है और वो व्याख्या तब लागू होती है जबकि इस देश में एन हो जो कि अभी नहीं होने जा रहा है लेकिन ये सी की एक महत्वपूर्ण आलोचनाओं में सामने आता है कुल मिलाकर हम यहाँ अपने वाद विवाद को नागरिकता से संबंधित वाद विवाद को रोकने से पहले आ, एक बार फिर से इस बात को सामने रखना चाह रहे हैं कि या मैं इसको सार संक्षेप में सामने रखना चाहूँगा कि अगर हम हिंदुस्तान में नागरिकता के कानूनों की बात करें तो आरंभिक दौर में नागरिकता के कानून विवादास्पद रहे क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में विशेष रूप से लड़कियों को अगवा करके ले जाने की जो घटनाएं हुई थी विभाजन के समय वो काफ़ी गंभीर थी और उसे नागरिकता तय करने में थोड़ी समस्याएं आईं पर मोटे तौर पर नागरिकता को लेकर कोई बड़ा विवाद सामने नहीं आया 1970 के दशक तक 1960 के दशक के आखिर में आ, इस तरह का विवाद शुरू हुआ 1970 के दशक के आखिरी वर्षों में असम आंदोलन शुरू हुआ तो वहाँ पर नागरिकता का विवाद एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आया फिर उन्नीस का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था उसमें कुछ तरह की बातें आईं कि कैसे वहाँ पर जो संदिग्ध नागरिक हैं उनकी पहचान हो और उन्हें किस तरीके से संसाधनों के उपयोग से वंचित किया जाए या उन्हें उनके अपने देश में वापस भेजा जाए और उसके बाद हाल के वर्षों में जबकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर वहाँ एन हुआ और उसके बाद अन्य देश के अन्य भागों में भी इस तरीके की चीज़ें करने की मांग होने लगी तो नागरिकता एक ज़्यादा विवादास्पद विषय के रूप में सामने आया और यह इस चीज़ को दिखाता है कि आ, किस तरीके से नागरिकता जो है वो व्यक्ति के जीवन की पूरी संभावनाओं को तय करने वाला एक कारक बन सकती है जब तक यह बहुत ज़्यादा विवादास्पद रूप से सामने नहीं आती है तो ऐसा लगता है हम सबको ऐसा लग सकता है कि हमारे आम जीवन में इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है क्योंकि हमें मान के चलते हैं कि हम आ, एक देश के नागरिक हैं और इस लिहाज से हमारे कुछ अधिकार हैं लेकिन आ, जब नागरिकता पर कई तरीके से प्रश्न लगाए जाने लगते हैं तो वो एक काफ़ी गंभीर मुद्दे के रूप में सामने आता है और एक तरीके से हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि जब आ, किसी भी देश की सीमाओं से पार के पार से कोई दूसरे समूह के लोग आते हैं तो वो उस देश के नागरिकों के हक को छीनते हैं उनके संसाधनों का उपभोग करते हैं और ऐसा करते हुए वो उस देश को कमज़ोर करते हैं मिसाल के तौर पर अगर भारत में बांग्लादेश के लोग आते हैं तो भारत की हैं, के संसाधनों का तो उपयोग करते ही हैं वहाँ के शांति के लिए भी खतरा बन जाते हैं तो इस लिहाज से यह तो ज़रूरी है कि राष्ट्र राज्य की सीमाओं के भीतर वही लोग राष्ट्र राज्य के भीतर आएँ क्योंकि हम एक राष्ट्र राज्य की दुनिया में जी रहे हैं तो वही लोग आएँ जिनके पास वास्तविक दस्तावेज हों तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है कि नागरिकता के इन तमाम पहलुओं के अध्ययन के साथ शायद एक समझ बननी चाहिए कि नागरिकता का निर्धारण करने की प्रक्रिया किसी मानवीय रास्ते को जन्म न दे। बहरहाल मैं नागरिकता से संबंधित इस पूरी परिचर्चा को यहीं रोकूंगा। मुझे यह उम्मीद है कि आप भारतीय संविधान में नागरिकता के जो प्रावधान है उसकी एक समझ बना पाए होंगे आप भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 सौ और इससे संबंधित जो संशोधन हैं उनकी एक समझ बना पाए होंगे और आप वर्तमान समय में जो नागरिकता से जुड़े कुछ जटिल प्रश्न हैं उसके बारे में भी आ, कुछ बिंदुओं की समझ बना पाने में समर्थ हो पाए होंगे मैं यह उम्मीद कर रहा हूँ और अगले भाग में अगले एपिसोड में हम मिलेंगे और भारतीय शासन और राजनीति के किसी अन्य मसले पर चर्चा करेंगे नमस्कार Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.